चारों वारदात हिफाजत का वादा और सुरक्षा की दलीलें देने वाले हरियाणा और उसके हुक्मरानों के मुंह पर तमाचा है हरियाणा के दरिंदों ने पूरे देश के मुंह पर खालिक पोतने का काम किया है सरकार लग गई है हत्यारों की तलाश में कब तक पकड़ेगी और कितने दिनों के लिए पकड़ेगी ये कह नहीं सकती हरियाणा के चार शहर पानीपत जिन फरीदाबाद चारों गवाह हैं इस बात के लिए कि हरियाणा में दरिंदों का जंगलराज है आज समूची इंसानियत शर्म से रो रही है हम सब इंसान हैं हमें भी शर्मिंदा होना चाहिए और सोचना चाहिए कि कैसे संसार में हैं हम और कैसे समाज का हिस्सा है ये कैसा समाज है जहाँ बर्बरता दरवाजे पर कब दस्तक दे देगी ये किसी को कुछ नहीं पता एक रिपोर्ट ये लाल की बेकार पुलिस है बेकार की हरियाणा पुलिस है हरियाणा पुलिस नींद की मूरत है घटना की सूरत है ये लाल की बेकार पुलिस है हरियाणा के तीन शहर पानीपत जिंद और फरीदाबाद तीनों शहरों में खट्टर सरकार की नाक के नीचे हैवान सक्रिय है हैवानों की हवा जहर बनकर हरियाणा की उसी बेटी का गला घोट रही है जिस बेटी के नाम पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नाच चल रहा था उसी बेटी की इज्जत असमत आबरू आपके आभा मंडल के भवर में लूटी जा रही है आपका वही झूठा आभा मंडल जिसमे हरियाणा स्वर्ग दिखता है असल में हरियाणा बेटियों के लिए नर्क है इसी नर्क में हरियाणा की बेटियों के गलते जिस्म की बदबू आप तक क्यों नहीं पहुंचती है मुझे जानकारी मिली है उसमें जो दोनों कल्परेट हैं उनको पानीपत में तो जो कल्परेट उसको पकड़ लिया गया है और पहचान कुशेत्र वाले में भी, भी कर ली गई है बहुत जल्दी उसको पकड़ लिया जाएगा इसलिए किसी भी घटना के होने के बाद पुलिस एक्शन में आकर के कितना जल्दी उसको सॉल्व करती है यही एक प्रकार की पुलिस की कार्य प्रणाली का एक समर्थन शर्म तो आती है लेकिन बताना पड़ेगा हो सकता है आपको पता भी ना हो नहीं पता है तो सुन लो पहला पानीपत, एक ग्यारह साल की बच्ची घर से बाहर आई तो पड़ोस के दो हैवानों को हैवानियत का शिकार दिखी। पहले मासूम से रेप की कोशिश की लेकिन जब कामयाब नहीं हो सके तो मासूम को मौत के घाट उतार दी। इसके आगे की कहानी बहुत शर्मिंदगी भरी है लेकिन बताना पड़ेगा मृत मासूम के मरने के बाद इंसान का मुखौटा लगाए एक शैतान ने मासूम से चार घंटे तक रेप किया फिर रेप किया, रेप किया किया और इंसानियत को मार दिया लड़की शाम को कूड़ा डालने गई थी और जब वो कूड़ा डाल के वापिस आ रही थी तो उस वक्त उसको घर में बुला लिया किसी बहाने से वो छोटी बच्ची थी और उसकी पहले हत्या कर दी और फिर उसके बाद एक आरोपी ने रेप किया दूसरा जिन पंद्रह साल की लड़की के साथ निर्भया जैसी दरिंदगी ऐसा टॉर्चर किया गया जिसे बताने की ना तो हम हिम्मत रखते हैं और ना ही आप सुन पाएंगे जिंद के बूढ़ाखेड़ा गांव में नहर के पास खून से लथपथ मिला शव पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि लड़की के साथ वैश्पन की हर हदे पार की गई है हाँ हर हदे पार की गई है जिसे हम बता नहीं सकते जब अधिकारी और सीएम साहब जिंद और पानीपत के दरिंदों को पकड़ने का भरोसा दे रहे थे उसी समय फरीदाबाद में ऑफिस से लौट रही एक युवती से चलती कार में गैंगरेप की खबर आ गई युवती ऑफिस से घर लौट रही थी युवती को फरीदाबाद के राजीव चौक से सरेआम सबके सामने उठा लिया गया चलती कार में दो घंटे तक गैंगरेप किया गया और चलती गाड़ी से युवती को फेंक कर फरार हो गए अधिकारियों और सीएम साहब को एक और वारदात मिल गई हाँ भरोसा देने के लिए बलात्कार के शहरों में चौथा नाम पंचकुला के पिंजौर का है यहाँ घर के बाहर खेलती 10 साल की मासूम से 50 साल के हैवान ने वो हरकत की जिसे देखकर आसमान ने शर्म की चादर ओढ़ ली और जमीन कांपने लगी थी इससे ज्यादा बताने में हमें शर्मा रही है उम्मीद है आपको सुनने में भी शर्मा रही होगी अब रेप की चार घटनाओं से सन्न पड़ा हर प्रदेशवासी मनोहर लाल खट्टर से पूछता है कि सरकार इतना बता दीजिए हम जिए या मर जाएं या वो हैवान मारे जाएंगे जिन पर सियासत मेहरबान है जिंद और पानीपत से सत्यदेव फरीदाबाद से संजय गुप्ता पंचकुला से जयंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट खबरें भी ये तमाम दलीलें हरियाणा में दी गई हैं लेकिन उसके बाद ये तस्वीरें हम पूछेंगे आप भी पूछेंगे पूरा प्रदेश लोगों से पूछ रहा है और जवाब देना पड़ेगा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को बताना चाहिए कि, कि किस तरीके से हरियाणा की बेटियां यहाँ पर सुरक्षित हैं और अगर नहीं है तो जिम्मेदारी कौन लेगा सियासत कब तक होगी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में हरियाणा कब तक जलता रहेगा हरियाणा की बेटियां कब तक इस तरीके से वानों की शिकार होती रहेंगी ये वो सवाल है जो आपकी जिंदगी से जुड़ा है हर किसी के परिवार से जुड़ा है इसलिए आपको भी पूछना चाहिए आपके पास जो माध्यम हो आप पूछिए सरकार से आप सोशल मीडिया से पूछ सकते हैं तो पूछिए आप चिट्ठी लिख सकते हैं तो लेकिन लिके। लिके। पूछिए कि हरियाणा में बेटियां कब सुरक्षित होंगी और कैसे सुरक्षित हो सकती है इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है कांग्रेस से प्रवक्ता है कांग्रेस के धर्मवीर धीर साहब आपका स्वागत है बीजेपी की प्रवक्ता सुनीता दुग्गल जी है आपका भी स्वागत है इनोलो की प्रवक्ता कुसुम सेलवाल जी हैं आपका भी स्वागत है रिटायर्ड आईपीएस केस तुमर साहब हैं आपका भी स्वागत है सामाजिक कार्यकर्ता सुलक्षणा ब्रह्मटा जी हैं आपका भी स्वागत है सभी से शुरुआत करेंगे लेकिन सबसे पहले बीजेपी की प्रवक्ता सुनीता दुग्गल जी हैं आपकी पहली प्रतिक्रिया उसके बाद हमारा सवाल हां देखिए बहुत ही विभत्स जो है वारदात हैं ये सब और इन सब पर हम बहुत शर्मिंदा हैं और दरिंदगी की सभी हदों को पार किया गया है और बिल्कुल जो आपने कहा कि हम कौन से संसार में कौन से सृष्टि में हम रह रहे हैं ये सोच सोच कर रोंगटे खड़े हो रहे हैं और सरकार की तरफ से जो है वो जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि दो जगह पर जो है आरोपी पकड़ लिए गए हैं लेकिन हमें जो है बात खास ध्यान देने की वो ये है कि इतनी विभत्स जो है मानसिकता जो है उसको हम कैसे बदलें अब हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम इस तरफ जो है वो फोकस करें क्योंकि जिस तरह से मानसिकता की अगर आप एक शव को भी नहीं जो है बख्शते हैं अगर आप एक लाश के साथ भी जो है वो दरिंदगी कर सकते हैं तो हम सोच सकते हैं कि आ, समाज जो है वो आज किस दिशा की तरफ जा रहा है सुनीता दुग्गल जी मानसिकता पर सवाल उठाए अपनी सरकार पर कौन उठा, आप उठाएगा आप उठाएंगी या विपक्ष या पत्रकार अभिषेक जी आप खुद बताएं मैं आपसे ही ये पूछना चाहती हूँ आप ये बताएं कि 50 साल का एक इंसान है बिल्कुल पड़ोसी है उत्तर प्रदेश में भी उनका घर बिल्कुल पास पास में है और दस साल की बच्ची है और उसके बाद जो हरकत जो इसमें बताई गई है कि किस तरह से उसने जो एक वुड है वो वो उसके पार्ट्स में किस तरह से उसने वो डाला है तो आप ये सोच के आप एक बार ये देखिए एक बार सोच के देखिए इस बात को कि इसमें जो है सरकार का बिल्कुल ये सरकार की ये जरूर एक वो बनती है जिम्मेवारी कि हम सख्त से सख्त जो है इसमें कानून लेकर आए और सख्त से सख्त जो सजा उनको जो है मिले ताकि दूसरों को सबक मिले लेकिन किस तरह की किस तरह के नशे में या किस तरह की मानसिकता के साथ ये इतने छोटे से छोटे बच्चों के साथ किया जाता है तो मुझे लगता है कि बहुत सख्त जरूरत हमें आज समाज को भी सबको इकट्ठा होकर जागरूक होने की और इस बात की है ठीक है सरकार को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है समाज में सब कुछ करिए ठीक है समाज से उम्मीद है कि आप आप कम से कम ऐसा मत करिए अपराध मत करिए ऐसा अपराध मत करिए कि किसी की जिंदगी छिन जाए लेकिन फिर भी सरकार को कुछ नहीं करना है ये कब कहा हमने मैंने अभिषेक जी ये बिल्कुल नहीं कहा कि सरकार को कुछ नहीं करना है सरकार ने जैसे कि पहले एक रोहतक की बहुत बड़ी वारदात हुई थी उसके अंदर जो सात उसके अंदर जो कल्प्रिट्स थे उनको फांसी की सजा हुई और उनको और निर्भया कांड में भी अगर आप देखें अगर आप एक बार मैं कहूंगी कि हमारी ये भी एक जिम्मेवारी बनती है मीडिया को भी मैं कहना चाहूंगी कि जो भी वारदातें हुई हैं उनके साथ उनके जो अपराधी हैं वो आज किस हालात में हैं या उनके साथ क्या हो रहा है ये भी हमें दिखाना बहुत जरूरी है निर्भया कांड में जितने भी थे उनमें से दो ने सुसाइड किया और बाकी भी जो हैं आज आप देखिए वो ना जिंदा है ना मुर्दा है नहीं। लेकिन नहीं, नहीं आप बस आप जो लोग टीवी देख रहे हैं खबरें अभी तक जो लोग देख रहे हैं खासतौर से महिला और बेटियां आप उनसे कह दीजिए कि हरियाणा में आप सुरक्षित है छोटा सा छोटा सा बयान आपके से हमने दीजिए कोई सवाल नहीं पूछा है आप डिबेट पे बैठे हैं आपका सम्मान है आप सरकार में है आपका सम्मान है आपको छोटी सी टिप्पणी करती है कि हरियाणा की जितनी भी मां बहन बेटियां इस डिबेट को देख रही हैं उनसे कहिए कि आप सुरक्षित देखिए कह पाएंगे क्या आप कह दीजिए अगर कह पाएंगे देखिए अभिषेक जी हम शर्मिंदा हैं मैं ये कहूंगी बार बार भी ये भी कहूंगी कि हम शर्मिंदा हैं और किस तरह से ये वारदातों को रोकें और किस तरह से इन वारदातों के ऊपर लगाम लगे सरकार की पुरजोर इस बात के लिए कोशिश रहेगी और आरोपियों को फांसी की सजा मिले सरकार की प्रशासन की इस बात के लेकिन इस बार को सुनीता दुग्गिल जी आप मानती है कि महिला होते हुए आप महिलाओं की आंख में आंख डाल के ये नहीं कह सकती हमारी डिबेट में कि महिलाएं हरियाणा में सुरक्षित नहीं कह पा रही है देखिए अभिषेक जी सरकार जो है अपनी बेटियों को भरोसा दिलाती है कि हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इस तरह की, की, बात, बात की प्रवक्ता है, है आप बताइए आप वादा कर पाएंगी महिलाओं से कि आप सुरक्षित अभिषेक जी फिर वही कह रही हूँ की सरकार जो है पूरी सख्ती के साथ जो है उन आरोपियों के साथ सीधा सा सवाल है आप आंखों में आंख डाल के ये कह पाएंगी कि जो लोग डिबेट देख रहे हैं वो सुरक्षित हैं जी धर्मीर जी टिप्पणी करिए आप अभिषेक जी इस पर टिप्पणी तो मैं खैर क्या कहूँ इतना विधक्स और इतना इतना दर्दनाक जो कांड हुए हैं पिछले दो तीन दिनों में पूरे प्रदेश में इसको तो बयान करना भी उसके लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है इतने नहीं। इतने इतने गंदे और कैसा घोर गलजू आ चुका है इसके बारे में तो कभी हमने सोचा भी नहीं था लेकिन अभी आप एक बड़ा बहुत बड़ा सवाल आपने उठाया था और मैडम ने भी बताया सुनीता दुग्गल जी ने कि समाज की मानसिकता कैसे आई है तो मैं इसमें एक बात बताना चाहूंगा आपको मिनट का समय जरूर दीजिएगा इन लोगों में ये जो लोग आपराधिक जो प्रवृत्ति रखते हैं ये लोग, ये लोग वही काम करते हैं ऐसे ठीक है 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 ना इन लोगों के अंदर इतनी हिम्मत कैसे बढ़ गई वो उसके लिए मेरे जो मेरे जो को समझ में आती है बात वो क्यों बढ़ गई है इन लोगों की हिम्मत इनको ये लगता है सब लोगों को जो इतने इतने भयानक तरीके के जो जो कांड कर रहे हैं लोग इनको अब ये लगने लग गया है एक तो इनके दिमाग से तो पुलिस का डर खत्म हो चुका है हरियाणा में दूसरा इनको ये लगता है कि सरकार पुलिस अब कितने सारे केसेस पिछले तीन चार साल में हो चुके हैं जिसको हाई कोर्ट तक भी सो मोटो लेती है और कितने केसेस इस इस मंच पे आकर हम भी डिस्कस कर चुके हैं जिसके अंदर पुलिस की कंप्लिसिटी निकली है एडमिनिस्ट्रेशन की कंप्लिसिटी निकली है तो उनको यह लगता है कि सरकार हमें बचाई लेगी हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कर लो जो कांड करना है तो ये इन, इनकी जो हिम्मत है ना इनकी हिम्मत यहां से आती है जब इनको यह दिखता है कि पुलिस भी और जो हमारी सरकार है ये बहुत सारे कई आपराधिक मामलों के अंदर मिली भगत रही है इनकी इनकी ये हमें भी बचा लेंगे इनकी हिम्मत ऐसे बढ़ जाती है और देखिए अगर आप एक खुद बात सोच के देखिए कि इतने भयानक तरीके के जो वो है अभी चार पांच साल पहले निर्भया कांड जिस दिन हुआ था उस दिन के बाद पूरे देश में एक बहुत बड़ी लहर उठी ठीक है इतनी बड़ी लहर उठी उस सारी लहर के चलते उस सारी लहर के चलते उस एक केस का तो निपटारा हुआ लेकिन उसके बाद सरकार हुई सब कुछ हुआ लेकिन उसके बाद जो है अब हरियाणा के अंदर अगर हम बात करें अभी पिछले महीने तो हमने ये बात डिस्कस की थी अभिषेक जी की हरियाणा इज कैपिटल ऑफ इन इंडिया आ, है ना उसमें लोग भी रोकने में कामयाब नहीं रहे थे दरअसल सियासत सियासत का विषय विषय नहीं है ये है यह कि इससे निपटा कैसे कैसे जाए जाए लोगों की सोच कैसे बदली सुनीता दुग्गल जी बहुत बड़ी बात मैंने आपसे पूछी थी कि जो लोग डिबेट देख रहे हैं कि आप उनके आंखों में आंख डालकर ये कह पाएंगे कि आप सुरक्षित हैं शायद आप नहीं कह पाई और ये सरकार की बातें बहुत आसानी से बताता है कि सरकार कितनी अः सुरक्षित है लोगों को लेकर कितना दावा कर सकती है क्योंकि आपने इस बात को लोगों से

सब बैठकर इस बात का कोई समाधान निकाल पाए आप ये देखिए कि उन जो पानीपत के जो दो दरिंदे हैं उन्होंने उस बेटी का मर्डर कर दिया मर्डर करने के बाद उनको फांसी की सजा तय थी लेकिन बार बार सोचने आप की मुस्कुराती है किस किसकी बात कर रहे हैं आप एसीपी है मुस्कुराती हैं फरीदाबाद वाले जब रिपोर्टर सवाल पूछता है उस वक्त क्या हुआ था पीड़िता ने कुछ बताया आपको कुछ पता चला हंसती वो नहीं ये तो बहुत गलत बात है ये अगर इस की कोई बात है, तो ये संवेदनहीनता की हद महिला होने के बाद आप लोगों से दवा नहीं कर पा रही आंखों में बुला के एसपी महोदय हंस रही है बात तो एक है ठीक है कुसुम जी टिप्पणी आपकी अभिषेक जी आज ये इतनी शर्मनाक घटनाएं जो हो रही हैं, 2018 का भी साल शुरू हुआ है पंद्रह दिन बीते हैं और इस पंद्रह दिनों के अंदर अंदर 48 घंटे तो यही जो घटनाएं चार घटनाओं की अभी आप बात कर रहे हो पांचवी घटना अभी फरीदाबाद की एक और घटना है, है। तो आप ये देखिए कि आज हरियाणा प्रदेश के हालात इतने खराब क्यों हैं? आज हमें इस चीज के ऊपर मंथन करने की जरूरत है सरकार नाकामयाब है कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं है कहीं पर भी कानून का जो डर है आज जो ये दरिंदों की बात करी जा रही है तो सबसे बड़ी बात अगर कही जाए तो कानून का डर जो खोफ होता था वो आज पूरी तरह से खत्म हो चुका है आज कोई भी जो इस तरह की दरिंदगी फैला रहे हैं जो किसी उनकी मानसिकता किसी भी तरह की हो उसका सबसे बड़ा कारण ना सरकार नाकामयाब कानून कहीं पर भी आज कानून जो चरमरा चुका है आज प्रदेश के जो हालात तीन साल हो चुके हैं बीजेपी सरकार को बने हुए तीन सालों में तीन बार ये सरकार जो है वो प्रदेश को जला चुकी है और आए दिन इस तरह के जो मुद्दे उठ रहे हैं ये पंद्रह से लेकर के आज आप अगर आंकड़ों की भी, भी मैं बात करूं तो पंद्रह में भी सबसे बड़ा रेपिस्ट हरियाणा प्रदेश को कहा गया था और आज ये दो के जो अभी पंद्रह दिन बीते हैं इसमें सबसे बड़े जो आंकड़े आए हैं कि दो के शुरू होते के साथ ही आज सबसे बड़ी बड़ी जो घटनाएं हो रही हैं आज इसको एक रेपिस्ट हब के नाम से जाना जा रहा है हरियाणा प्रदेश को इससे ज्यादा शर्मनाक बात और कोई नहीं हो सकती हरियाणा प्रदेश के लिए और मुख्यमंत्री साहब को मैं कहती नैतिकता के आधार पर उन्हें इस पद को त्याग देना चाहिए हमारी पार्टी ने भी हमारे जो प्रतिपक्ष नेता है अभय सिंह चौटाला जी उन्होंने भी आज ये मांग की है कि माननीय चौधरी चौधरी मुख्यमंत्री जी को भी आज इस पद से रिजर्व रिजाइन दे देना चाहिए क्योंकि आज हर प्रदेश में इस तरह के हालात जो दिखाई दे रहे हैं क्योंकि केंद्र में सरकार है बीजेपी की प्रदेशों में सरकार है बीजेपी की उसके बावजूद भी इस तरह की घटनाओं का होना बहुत ही शर्मनाक घटनाएं हैं ये और आज हम अपनी बहन बेटियों को जब वो जब तक हमारी बहन बेटियां घर नहीं आ जाती तब तक माँ बाप के दिल कांपते हैं और वो ये सोचने पर मजबूर हैं कि हम इस सरकार का क्या करें अभी सरकार के तीन साल बीत चुके हैं उसके बावजूद भी सरकार की आंखें नहीं खुल रही हैं सरकार अभी भी सो रही है उसके बावजूद सरकार खट्टर साहब अपनी पीठ थपथपाने का काम करते हैं कि हमने आरोपियों को पकड़ लिया है लेकिन आरोपियों को पकड़ करके किया क्या तीन साल पहले भी अगर छह महीने पहले वाला अगर छह साल की बच्ची का केस उठाया जाए तो उसके उसमें क्या हुआ अभी तक सजाएं नहीं होती हैं क्यों नहीं सजाएं होती हैं अगर शरेआम इस 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 तरह 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 के फांसी जो काम करने वाले हैं इस तरह से दुष्कर्म करने वाले जो लोग हैं अगर उनको फांसी की सजा दे दी जाए तो दो चार दस दिनों के अंदर अंदर कहीं ना कहीं उसका सामने उसका नतीजा सामने आएगा बिल्कुल केस तुमर साहब जिस तरीके की स्थिति बन रही हरियाणा के भीतर 2012 में आपने देखा कि महज एक महीने के भीतर नौ बलात्कार की घटनाएं आई जिसमें से हिसार सबसे बड़ा मामला था हिसार में जब लड़की के पिता ने आत्महत्या कर ली उसके बाद प्रशासन जागा और आरोपियों को पंद्रह दिन बाद गिरफ्तार करता है पुलिस प्रशासन पे सवाल उठा रहे हैं ये बात गलत है या ये बात सही है कि पुलिस वाकई में अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही आप सही कह रहे हैं इतनी दर्दनाक घटनाएं हमारी बेटियों के साथ हुई हैं बड़ी शर्म की बात है इसके अंदर कोई भी सरकार हो उसका कोई ये नहीं कह सकती कि भाई ये जो है कुछ नहीं रहा जैसे किसी मिनिस्टर का भी एक दूसरे टीवी चैनल पर मैं सुन रहा था सुवेदन ही बयान था तो हरियाणा नेशनल लेवल के मुकाबले में पाँच गुना ज़्यादा रेप की घटनाएँ घट है रही हैं तो आप ये अंदाज़ा लगाइए भाई कितनी एफिशेंट पुलिस है फिर सवाल ये है कि भाई जो एसपी लगाए जाते हैं उनके वो मेरिट के आधार पर नहीं लगते अब हमारे टाइम पर जब हीनियस क्राइम दस साल या उससे ज़्यादा उम्र कैद या फांसी की सजा वाले क्राइम होते थे तो डी जी होते थे उस वक्त आईजी बाद में डीजीपी भी आ गए थे तो मौके पर जाते थे अब देखो ये कितने डीएसपी कितने एसपी मौके पर गए हैं कितनी इन्होंने केस डायरियाँ लिखी हैं क्या इन्होंने एक्शन लिया है ये तो अपने गाड़ियों में घूमते रहते हैं झंडी लगा के जो अब ये खुद अपनी ड्यूटी नहीं देते तो नीचे वाले क्या ड्यूटी देंगे इससे घटिया कोई बात नहीं हो सकती पुलिस अगर अपनी ड्यूटी ठीक दे और सरकार की मनसा हो कि अच्छे अधिकारी जिनका लॉ एंड ऑर्डर में यानी स्टेट में नाम हो कि ये अब हमारे टाइम पर मुझे जहाँ भी लॉ ऑर्डर बदल जाती थी वही भेजते थे बिल्कुल बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए और सरकार अगर एक्शन नहीं लेती है तो इस बात का दावा भी नहीं करना चाहिए सरकार को कि हम आपकी सुरक्षा देंगे अगर आप सुरक्षा का दावा करते तो आपको देना भी चाहिए आप गलत फहमी में किसी को नहीं डाल सकते भ्रहटा जी मैं आपके पास आऊंगा और आपसे समझूंगा सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका में कितना मुश्किल है उन परिवारों को इन तमाम दर्द से निकल पाना इन तकलीफों से निकल पाना जिस तकलीफों में या सरकार डाल रही है या प्रशासन डाल रहा है या फिर वो हैवान डाल रहे हैं जो अपने हवश के लिए कुछ भी कर देते अभिषेक जब पिछली बार इस डिबेट पे आई थी तो हिसार का एक केस था जिसमें छ सात साल के एक बच्ची के साथ भी इसी तरह का काम किया गया और उसे मार दिया गया तो कुछ एक पंक्तियां लिखी थी और वो मैं जरूर चाहूंगी आज यहाँ पे कहना कि वो चीखती चिल्लाती रही छोड़ दो मत करो दोहराती रही ईश्वर अल्लाह गॉड का वास्ता दिलाती रही घरों की आबरू के बारे में बताती रही लेकिन वो मृत प्राय हो चुके इंसान थे उनपे बर्बरता सवार थी उसे कुचल दिया तोड़ दिया मरोड़ दिया मानो वो कोई खेलने का सामान थी इतनी बर्बरता जिससे दिल पसीज जाए ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे पहले ये कहा जाता था पहले जितनी भी इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे रिसर्च हुई है रेपिस को लेकर उसमें उसमें कहा जाता था कि जो रेप करना चाहता है, वो अराउजल इतना है और वो आ, कपड़ों को देख के सुंदरता को देख के या ब्यूटी को देख के आकर्षित होता है या जिस चीज को वो हासिल नहीं कर पाता उसके ऊपर फोर्सफुली वो उस चीज को हासिल करना चाहता है लेकिन यहाँ छोटी बच्चियों की बड़ों के साथ भी हो रहा है लेकिन छोटों के साथ अब ज्यादा होने शुरू हो गया है तो ये बहुत ज्यादा बड़ी बात है स्टूडियो में भावुक हैं इस कविता को सुनाते हुए अपनी बात को रखते हुए जाहिर सी बात है कि हर किसी का कनेक्शन होता है व्यक्ति से व्यक्ति का लेकिन अब सुनिए एक ऐसी महिला का जिनके पास पद बहुत है लेकिन मुस्कुराहट देखिए रेप जैसी घटना पे जब रिपोर्टर ने सवाल पूछा लड़की तो ने तो प्रयास कुछ किया कुछ बताया हो या कुछ डर दिखाया हो मैं वहाँ थी नहीं ना बस हो गया थैंक यू का प्रयास कुछ किया बताया हो या कुछ डर दिखाया हो मैं वहां थी नहीं ना नापी एसी पूजा डाबला दगल मुझे लगता है कि पूरी बात को अगर सारा पूरा सिर्फ एक छोटा सा वो दिखा देना भर जो है पूरा पूरी पूरा उसको दिखाना चाहिए थोड़ा सा जिससे उसके बारे में और ऐसा हाँ और और ऐसा कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि वो कहीं कोई अब, क्योंकि बात तो सिर्फ एक सिंपल एक बात कही गई है और उस शी सेड कि भी मैं बात थी नहीं तो ऐसा एटीट्यूड नहीं देखा आपने सरकासी ग्रिम थी सर उनके फेस पे एटीट्यूड नहीं देखा आपने देखिए ऐसा जो ये तोमर साहब ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे क्योंकि पुलिस में रहे हैं वो और वो पुलिस अधिकारी हैं तो देखो, ऐसा एक्सप्रेशन कुछ भी दिखाई नहीं दिया जिससे वो ये कहा जाए कि वो थी। हाँ, लेकिन हम समझ ही नहीं पाते समाज में क्या चल रहा है एक बार फिर से सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा आपको समझ में आएगा रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि क्या कुछ आपको वहां पे मिला क्या आपको कुछ पीड़िता ने बताया जवाब था मैं वहां पर थी नहीं और फिर उसके बाद की आवाज सुनिएगा फिर से सुनिए आप पहले आया दुकान पर आया तो मैं आ रही थी मम्मी पापा के पास से तो बोला मैं बोला भैया छोड़ चोर देना छोरा नहीं लेके कर चला गया खेरी पुल खेरी पुल में कमरे में रखा दारू पिया एक गोली खाया दोनों एक एक फिर मुझे भी बोला तू तो भी खा मैं बोला मैं नहीं खाऊँ तो बोला मारूंगी तुझे ऐसे वैसे पैसे तो छीन लिए गलत गलत काम कर रहा था फिर लेके जा रहा था वही पर कमरे पर गंदे गंदे काम करा था कौन कौन दे? एक का नाम है विनोद आय कना चुन्नी साढ़े पाँच बजे शाम से एक ऑटो वाले ने ले गया उठा के और उसके साथ एक दोस्त और था और ले गया उधर खेरी पल्ला पल्ला से ले गया खेरी पुल के साइड में एक कोई रूम है उसमें ले जाके इसके साथ रेप किया और उसके बाद इसको मैं खोजने लगा तो नहीं मिल रही रात भर वहीं पर रखा और फिर दोपहर में जब मैं खोज के आ रहा था वापस तो मेरे को मिला और जब मैं उसको पकड़ा मैं सौ नंबर पर कॉल किया पुलिस वाले आए और उनको फोटो हमको दे दिए उसका खींच के और एक नंबर मोबाइल नंबर दिए और उसको छोड़ दिए आरोपी को नहीं पकड़ा पुलिस ने नहीं पकड़ा जी आपके बताने के बाद भी। हाँ जी मैं बोला पुलिस वाले को खुद कॉल करके मैं बुलाया था मामला ये है कि वो अपने घर वापस आ रही थी मा, अपने माँ बाप के पास शायद वो फैक्ट्री गई थी वहाँ से वो घर की तरफ आ रही थी तो जो एक लड़का है उसका जानकार वो उसको मिला है उसने अपने फोन करके कोई ऑटो चलाता है उसका दोस्त उसी लड़के का उसने उसको बुलाया है और फिर वो उसको बैठा के कहीं आ, मवई की तरफ लेके गए हैं वहाँ एक कमरे में रखा है और फिर सुबह जो है वो उस लड़की को जब छोड़ने आ रहे थे तो वो आ, उसने शोर मचा दिया तो माँ बाप ने को देख के उसने शोर मचा लिया माँ बाप भी उसके ढूंढने निकले हुए थे तो इस तरह से वो आ, मिल गया एक लड़का जिसमें हम गिरफ्तार कर चुके हैं सुनीता दुग्गल जी ये इसके पहले क्या हिस्सा था जो आप कह रही थी पूरा सुनवाई है मैंने आपको पूरा भी सुनवा दिया इनको सारी जानकारी थी लेकिन जब रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि वहां पे और क्या क्या हुआ था तो उन्होंने कहा हंसते हुए कि मैं वहाँ पर थी नहीं आप इस बयान को अगर बचाएंगे तो इसका मतलब यह है कि ना तो आप आंखों में आग डाल के ये दावा कर पाए कि महिलाएं सुरक्षित हैं और ना आप फिर उनसे ये कह पा रही हैं कि हम आपके पक्ष में खड़ी हैं आप इनके पक्ष में खड़े हैं दरअसल अभिषेक जी ये इस तरह किसी भी बात के लिए देखिए आप बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं लेकिन किसी भी बात के लिए इस तरह से दबाव देकर के आप बिल्कुल मैं ये कह रही हूँ कि जिस तरह से जो वारदात हुई है उसमें आरोपियों को जिस तरह से उन्होंने बताया कि गिरफ्तार भी किया गया है और जो इससे पहले भी पानीपत की वारदात हुई है उसमें भी गिरफ्तार किया गया है मुझे लगता है कि हमें हमें एक मीडिया को बड़े रिस्पॉन्सिबल तरीके से जो मानसिकता आज खराब हो रही है एक इंसान की उसके तरफ जैसे कि सुलक्षणा जी ने बहुत सुंदर बात कही हमें आवे हमें समाधान निकालना है और हम अगर ये कोशिश में रहेंगे कि हम किस तरह से सरकार को घेरने की कोशिश करें तो देखिए सरकार इस बात के लिए कहीं अपने आप को बहुत यह प्रूफ करने की कोशिश नहीं कर रही है कि बहुत बढ़िया काम हो रहा है हम शर्मिंदा है शर्मिंदा है शर्मिंदा है मैं बार बार इस बात को कह रही हूं लेकिन हमें जरूरत यह है कि हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि आज समाज जिस तरह से विकृत मानसिकता हो रही है

मसला यह भी है कि तुरंत मनोहर लाल खट्टर को बैठक बुलानी चाहिए और बैठक कर एक बड़ा फैसला लेना चाहिए आईजी या डीआईजी उन्हें सस्पेंड करना चाहिए कप्तान उन्हें हटा देना चाहिए तबादला कर देना चाहिए मसला यह है कि 24 घंटे के भीतर एक के बाद एक लगातार बलात्कार की घटनाएं आती है हम आपकी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं है कि आप ये कहें कि सरकार सब कुछ कर रही है इंसानों की मानसिकता ही खराब है पुलिस में भी शिकायतें जिससे आप स्वीकार नहीं रहे छोटे से ब्रेक के बात लौट रहे हैं लगातार बड़ी बात जारी है बने रहिए खबरें अभी तक के साथ के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप देख रहे हैं बड़ी बात और बड़ी बात में उन हैवानों पे बात जो हरियाणा को हैराज में तब्दील करना चाहते हैं उससे भी बड़ी बात हरियाणा में उन विपक्ष की पार्टियों पे जो सब कुछ देखते हुए सिर्फ टीवी डिबेट में हंगामा बोलती हैं जो सिर्फ टीवी डिबेट में अपनी बात रखना जानती है इसलिए सवाल उनसे भी पूछा जाना चाहिए और सवाल पूछेंगे कुसुम सेलवाल जी अगर सरकार गलत कर रही है तो आप लोग कहा हैं आइए बाहर हम लोग तो बाहर ही आ रहे हैं बिल्कुल नहीं मैम हम लोग डिबेट में नहीं आपकी पार्टी टीवी डिबेट कल हमारा कैंडल मार्च है। में। कल इन एलो पार्टी अपना कैंडल मार्च निकाल रही है मार्च से यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में लेकिन हम हम भी अपना पूरी तरह से दायित्व निभा रहे हैं लेकिन मैं एक चीज आपने इससे जाने से पहले जैसे दुगल जी बोल रही थी कि हम अपना कार्य कर रहे हैं और लेकिन मैं एक चीज कहना जरूर चाहूंगी कि प्रदेश में आज मुख्यमंत्री जी के पास गृह मंत्रालय भी है और गृह मंत्रालय जो है सब कुछ उन्हीं के हाथ में शासन और प्रशासन को चलाने वाले वही हैं। बावजूद उसके तीन साल में तीन बार डीजीपी चेंज हो जाते हैं तो सबसे बड़ा मुद्दा तो मेरे ख्याल से यही है कि या तो सरकार को उनके ऊपर भरोसा नहीं है कि वो इस लायक है या नहीं है लेकिन उसके बावजूद आए दिन हर एक का आप अखबारों में देख लीजिए मीडिया के माध्यम से देख लीजिए आए दिन तबादलों पे तबादले हो रहे होते हैं जब तक एक फाइल किसी के पास जाती है तब तक उस फाइल को संभालने वाला जो है वो दूसरी सीट पर चला जाता है तो ये बहुत बड़ा एक आज जो सरकार के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं ये छोटे आरोप नहीं है और जो बेटियों की बात पूरे तीन साल में पानीपत में लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके ये बात बड़ी बात कर रहे जी, आप, जी, आप, आप लोग राजनीतिक पार्टी है आप लोगों को चंदा मिलता है आप लोगों को फंड मिलता है पार्टियों में भ्रष्टाचार होता है राजनीति होती है गुंडागर्दी होती है और सब कुछ होता है आपसे पहले वो गाँव वालों ने कैंडल मार्च निकाल दिया लेकिन तो आज, मार्च निकाल देना कोई आज ही हमारा राजनीतिक पार्टियां के पास बहुत सारा ताकत है विषय आप मिल सकते हैं बात रख सकती हैं इसमें भी आप लेट लेकिन हमारा प्रोसेस तो प्रोसेस में है हम लोग ऐसा नहीं है कि आज अगर हम आप लोगों ने डिबेट पे बुलाया सारा दिन अगर हमारा आज डिबेट पे जा रहा है तो हमें एक दिन का टाइम भी चाहिए तो हम इसमें लेट नहीं है या हमारी पार्टी की तरफ से कोई बयान ना आया हो हमारे माननीय दुष्यंत चौटाला जी ने भी अपना बयान दिया है भाई अभय सिंह चौटाला जी ने भी अपना बयान दिया है ऐसा नहीं है कि हमारी पार्टी चुप करके बैठी हुई है आज हर तरह से हमारी पार्टी पूरी आवाज उठा रही है लेकिन जो चीज जो मुद्दे जो मैं बात आपने मेरे को बीच में ही छोड़ दी रोक दिया था मैं उस बात के ऊपर अमल दुग्गल जी का जरूर कहना चाहूंगी क्योंकि हम आ, महिलाएं हैं क्योंकि जो हमारी एक यही बात हो रही थी कि हमारे लिए बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है क्योंकि हमारी भी बेटियां हैं ये नहीं है कि हम दूसरी बेटियों के लिए बात कर रहे हैं या हम सरकार को बात कर रहे हैं लेकिन हमारी भी बेटियां हैं हमें भी डर है जब हमारी बेटी घर नहीं आती नहीं। या थोड़ी बहुत भी लेट हो जाती है तो हम भी हमें भी बहुत कुछ सोचने पर मजबूर होते हैं जैसे आज प्रदेश के हालात हैं इसलिए सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाने पड़ेंगे या फिर राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए मुख्यमंत्री साहब अगर ये सोचते हैं कि मैं इस सरकार को नहीं चला सकता तो उन्हें क्योंकि आपने एक

के इतिहास में इस बात से मुकर नहीं सकते ये अच्छी बात है कि कांग्रेस में यह घटनाएं कम थी बीजेपी में घटनाएं बढ़ गई लेकिन धर्मवीर जी दो बच्चियों या महिलाओं के साथ प्रतिदिन आपकी सरकार में भी बलात्कार होता था प्रतिदिन जो अब आंकड़ा तीन हो गया है देखिए ये मामला जैसे कि सुनीता जी ने कहा कि सामाजिक तो है ही है लेकिन सरकारों की कमियों के कारण भी ये चलता है हम आपकी मैं, मैं तो हाँ, तो हम, हम अपनी कमी से परे हटते नहीं मैं आपके पैनल के ऊपर दो महीने पहले जिस दिन उकलाना वाला केस हुआ था मैं ये बात बोलकर गया था आपको याद होगा लेकिन इसके अलावा जो अब हम हमारी जो आगे की जो रणनीति चल रही है उच्च स्तरीय बैठक जो है प्रदेश अध्यक्ष के अध्यक्षता में आज या कल में है hmm. उसके अंदर हम इसको इस पूरे मुद्दे को hmm. दो दो प्रॉन्ग्ड स्ट्रेटजी के तहत हम इसको एक आंदोलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं hmm. एक आंदोलन तो ऐसा चलेगा इस आंदोलन का फायदा हुआ प्रे. नहीं एक नहीं आप सुनिए पहले hmm. Hmm. आंदोलन का एक पक्ष ये रहेगा कि क्या क्या, क्या कमियां चल रही है क्यों ये हो रहा है और

डबल स्ट्रेटजी के अंदर चलेंगे हम सिर्फ ये नहीं है कि भाजपा के उसमें क्या हुआ या किस किस में क्या हुआ आज इसको भाजपा और कांग्रेस हाँ, को देखने का वो नहीं है आपका समय यह है कि विकृत मानसिकता को ऊपर कैसे किया जाए ठीक है बिल्कुल हुड्डा साहब को यह कहना पड़ा था तत्कालीन मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री रहते हुए कि पुलिस बलात्कार जैसे केस पे एफआईआर दर्ज करेगी तब उस वक्त के डीजीपी ने यह शर्मसार देने वाला बयान था कि पुलिस से पहले माता पिता को अपने अपने बेटियों को कमरे में बंद रखना चाहिए दूध के लेकिन जिस हरियाणा के लिए दो हजार चौदह में हरियाणा नंबर वन का खूब प्रचार किया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उसी हरियाणा में खूब बलात्कार भी हुए थे जिसको आप लोगों ने छुपाया था एक चेहरा कांग्रेस का यह भी है जो डिबेट में आना चाहिए आगे आगे कोई भी नहीं गी गी क्या? जो आगे आगे भी नहीं गया। सारे गया आप नहीं मानेंगे आप नहीं मानेंगे तो आपने भी कुछ ऐसे काम किए जिससे लोग आज भी याद रखते हैं और मुझे कहीं पे ये लग रहा है कि ये मुद्दा कि आपकी सरकार और इनकी सरकार से ऊपर उठ के है पहली चीज क्योंकि ये विकृत मानसिकता की बात जी ने भी कही मैम ने भी कही और सर भी कह रहे हैं ये बिल्कुल सही बात है लेकिन इसके पीछे का जो कारण है मैं सामाजिक तौर पे ही कह सकती हूँ क्योंकि छोटे छोटे स्कूल्स में सरकारी स्कूल्स में मैं जनरली खुद जाती हूँ गुड टच और बैड टच की क्लासेस लेती हूँ जब भी समय मिल पाता है तो वहां पर आप ये देखने को मिलता है कि छोटी छोटी बच्चियां जो छह साल से लेकर नौ साल की बच्चे में सुरक्षित नहीं है और उनको समझाया जाता है मतलब बचपन से सात साल की बच्ची को यह समझाया जा रहा है कि तूने किसी को बताना आ, नहीं है राइट तो आपको उनको ये बताना पड़ता है कि नहीं बेटा अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी होता है अगर आपके घर पे नहीं सुन रहा तो आप आके अपनी मैम को बताइए क्योंकि पहले ये घरों पर आज अगर किसी के घर पे ये चीज हो रही है ना तो वो रो चिल्ला रहा है उसके पड़ोसी रो चिल्ला रहे हैं तब आगे आ रहे हैं लेकिन जब तक कोई खुद अपने पर्सनल लेवल पे जुड़ा नहीं हुआ है ना मुद्दे को मुद्दे को कोई आगे नहीं उठाता गुडिया कांड हुआ जब तक इवन नेशनल न्यूज नहीं बना वो छह दिन तक जब तक लोग सड़कों पर नहीं उतरे रिज उन्होंने जाम नहीं किया शिमला में वैसे ही बाकी जगह भी कैंडल मार्च निकाले गए या छोटे और मुझे कहीं पे लगता है कि दुग्गल जी की बात से मैं एक जगह सहमत हूँ कि जहाँ पे आपने ये बात कही कि आ, मुद्दे जो हैं वो आगे सरकारों से आगे उठ के आने चाहिए उनको मानसिकता से लेके बेरोजगारी से लेके नशाखोरी से लेके कि

लेकिन किसी महिला को किसी बेटी को सरेआम वहां से उठा लिया जाता है फरीदाबाद जैसे अच्छे शहर से किडनैपिंग कर ली जाती है ये टूट रहा है या नहीं टूट रहा है नहीं देखिए ऐसा है कि जो वारदातें हुई हैं हर वारदात में कोई उसके पीछे की एक अलग जिसको हम कहेंगे कि एक अलग ही उसका तथ्य है क्योंकि जैसे कि अभी इसमें बताया गया कि जो एक वो बच्ची का मामला है उसमें जो दो लोग हैं जिसमें एक पकड़ा भी गया फरीदाबाद उस हाँ, उसमें फरीदाबाद से आप बच रही हैं उसमें सुनिए मेरे अभिषेक जी फरीदाबाद से नहीं फरीदाबाद की बात मैं फरीदाबाद की बात कर रही आप जवाब तो सुनिए स्कॉर्पियो से किडनैपिंग हो जाती है मैडम जवाब देखिए जी फरीदाबाद में जो आपने दिखाया जिसमें कि आपने वो एसीपी की बाइट भी दिखाई मैं उसकी जिक्र कर रही हूँ जिसमें बकायदा एसीपी ने इस बात को माना है कि वो ब, ब, बच्ची का जो दोस्त था उसने उसको फोन किया और उसके बाद बच्ची जो है कुछ हरकत होती है तो उसमें से एक को गिरफ्तार भी कर लिया हुँ। गया है कि ये वारदातें जो है इसमें जो सबसे संजीदगी जहां जरूरत है वहां जरूरत है चाहे वो पिंजौर का मामला है चाहे वो पानीपत का मामला है जहां पर दस ग्यारह साल की बच्चियाँ पिंजौर का दस साल की पुलिस के सामने राजी चौक से तमाम कानून की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं अब तब भी पुलिस को बचा रही है इसमें कोई भी कर रहा जो भी देश का मुखिया या प्रदेश का मुखिया है अगर उसके अधीन सारी चीजें है और कुछ गलत है और सही नहीं हो रहा है तो उन्हें एक्शन और राधा इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत है इस बात से कोई नहीं मुकर रहा लेकिन जितना भी ये विकृत मानसिक आपने राजीव चौक की घटना जो अभी आप बता रहे थे वो वहां पर जो चौकी है वो केवल सौ किलोमीटर की दूरी पर सो है मेंटर, सो, सो मीटर की दूरी पे है सॉरी लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन को अगर इस चीज का डर हो कि हमारे ऊपर कोई एक्शन होगा तब वो भाग के जाती है तो वहां पे पुलिस प्रशासन भी आज तो पूरे हरियाणा में ही ढुलमुल है लेकिन आज हरियाणा प्रदेश के जो हालात बद से बदतर है अगर मुख्यमंत्री साहब गाय गीता और सरस्वती से बाहर निकलेंगे तब जाकर के बेटियों की सुरक्षा कर पाएंगे आज अगर वो गौ रक्षा दल बनाते हैं तो कन्या रक्षा दल क्यों नहीं बनाते नहीं। क्यों आज बेटियों की सुरक्षा की बात नहीं करते नहीं। आज मुख्यमंत्री जी के कहने के अनुसार लोगों ने उनकी बात पर अमल किया बेटियों को बचाने का काम किया लेकिन जो बेटिया आज वो मर रही है सरकार की कमी की वजह से मर रही है उसके लिए क्यों आवाज नहीं उठाती सरकार आज क्यों चुप है आज किसी भी तरह से आज आप गीता का कुरुक्षेत्र में इतना भारी भरकम वहां पर पैसे की बर्बादी हो रही है सब कुछ हो रहा है

हर स्कूल के अंदर होना चाहिए माँ बाप की ये ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों में संस्कार ढालें तीसरा ये है कि जो पुलिस अधिकारी ये देखें कि भाई इतनी हीनियस क्राइम हुआ तो कौन मौके पर पहुंचा अगर सीनियर ऑफिसर्स मौके पर नहीं पहुंचे जिनकी ड्यूटी थी तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए सस्पेंड किया जाना चाहिए उनको जो भी एस हैं जिनके जिले में ये घटनाएं घटी है तब जाके जो है इनको डर होगा भय होगा नीचे वालों को एक एस को सस्पेंड कर देंगे उससे तो कोई असर नहीं होना जिम्मेवारी तो एसपी की है डीआईजी की है डीजी की है तो इनको क्यों बैठाया रखा किसी ने आज तक ऊपर वाले अफसरों के ऊपर उंगली नहीं उठाई अगर ये अपनी ड्यूटी ठीक नहीं माए तो नीचे वाले कैसे नहीं निभाएंगे तो समाज के अंदर अगर हमने सुरक्षा देनी है तो ये सुनिश्चित करना होगा कि पुलिस वाले अपनी ड्यूटी ईमानदारी से दिल से और अब देखिए रिस्पांस टाइम दो घंटे तक उस लड़की को नहीं पकड़ फरीदाबाद की को उसके पास फोन भी था जी आज के टाइम पर नहीं तो ट्रेस कर सके उसके लोकेशन कहा है तो इससे बड़ी जो अलग लापरवाही ना, ना इससे बड़ी कोताही मिल नहीं सकती है बिल्कुल सुनीता दुगल जी सब सुन रही है आप इनकी बात से सहमत हुई और शायद यहाँ पे सोचने की जरूरत है कि दो घंटे तक आप लोग ट्रेस नहीं कर पाए ये बहुत बड़ी बात है आज के जमाने में जब आप हरियाणा नंबर वन की बात करते हैं नहीं बिल्कुल मैं तोमर जी की इस बात से सहमत हूँ कि आ, इतना फास्ट जो है टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी अगर जो है वहाँ का पुलिस प्रशासन दो घंटे तक जो वारदात होती रही और उसमें उसको ट्रै, ट्रैक नहीं कर पाया तो उसका उनको जो है खामियाजा भुगतना पड़ेगा और वो वहाँ से जो है उनका तुरंत वहाँ से तबादला कर दिया गया है बिल्कुल सही बात नहीं इलावा, तबादला होगा इसके अलावा एक्शन इसके अलावा जो उस एरिया के जो उस एरिया के कंसर्न जो ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ भी एक्शन होगा मुझे मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि सरकार जो है जी ठीक है तबादला को क्या आप एक्शन में मानती हैं तबादला क्या कोई एक्शन है देखिए या आराम से प्यार से नहीं, नहीं नहीं या, या प्रपोज कर देना प्यार दे। से कि साहब आप यहां रह नहीं सकते आप चले जाइए कहीं और अभिषेक जी सुनिए हां जो आ, हर एरिया जो है वो आ, हमारे तोमर साहब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं इस बात को ये और ये भी ये भी ये भी इस बात को जो है वो विटो करेंगे कि हर एरिया जो है वो एरिया में एसएचओस या वो वो बांटे होते हैं जो इस एरिया की ये वारदात है जिस एरिया में वो इन जो है वहां का साबित हुआ है उसके खिलाफ सख्त एक्शन जरूर होना चाहिए और क्योंकि जो सीनियर ऑफिसर हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है फॉर द टाइम बिंग उनको ट्रांसफर किया गया है आगे uh, सरकार जो है वो इंक्वायरी के बाद जांच करेगी हाँ नहीं मैं ये कहता हूँ कि भाई एस एच ओ ने अपनी ड्यूटी क्यों नहीं निभाई क्योंकि सीनियर अधिकारी कभी जाते ही नहीं निकलते ही नहीं उनको रात को चेक ही नहीं करते उनका रिस्पॉन्स टाइम कभी चेक नहीं करते कोई डेमो नहीं करते भैया ये घटना में कितनी देर में आप पहुँचते हैं कोई रिहर्सल ही नहीं होती तो जब तक सीनियर अधिकारी अपनी ड्यूटी ठीक नहीं देंगे नीचे वाले नहीं देंगे उनको कितने बदलते रहो सस्पेंड करते रहो उसका कोई लाभ नहीं होगा सीनियर अफसरों पे गाज पड़नी चाहिए वो बड़ी ड्यूटी ठीक नहीं दे रहे हैं ठीक है धर्मवीर जी अभिषेक जी मैं इसमें दो बातों पर कंक्लूडिंग दिमाग दूंगा दो बातें हैं इसमें इस सबसे पहले तो इस सारी चीजों को लेकर सरकार के अंदर संवेदना होनी चाहिए बहुत जरूरी hmm. हमारे यहाँ की सरकार के मुख्यमंत्री जी का मैं एक बयान आपको बताऊंगा hmm. तो आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी hmm. मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली या दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं मैं कोट करके बोल रहा हूँ ये वीडियो पे भी है आपके चैनल पे भी है इफ दे फ्रीडम ये लड़कियों के बारे में बोला जा रहा है इफ दे वीडम वाई अराउंड नेकेड ये संवेदना है मुख्यमंत्री जी की बात कर रहा हूं मैं ये इसके बाद और बहुत सारे ऐसे भद्दे बयान आते रहते हैं इनकी पार्टी से वो को, कोई उसको हम मानते नहीं अब छोड़ देते हैं दूसरी बात मैं ये लेकर आता हूँ कि तोमर साहब ने अभी बताया कि एक्शन क्यों नहीं होता बड़े अफसरों के ऊपर होना चाहिए वो ये सारी बात बिल्कुल ठीक है इन्होंने जो कही लेकिन आप ये सोचिए अभिषेक जी ये जो पुलिस है हमारे हरियाणा की ये इतनी लैक्स कैसे हो गई है आपने बनाया भी है आपका भी रूल इसमें <laughs> मैं तो कह रहा हूं मैं तो ये बात ही नहीं कर रहा कि हमने नहीं कहा नहीं। हमारी भी गलती रही होगी इसके अंदर जरूर लेकिन आज के मामले के अंदर इत, इतनी इतनी गुंडागर्दी और इतनी भयानक गुंडागर्दी आज तक कभी नहीं हुई थी हरियाणा में कि तीन तीन साल लगातार हरियाणा पूरा नहीं, नहीं आई थी या तीन तीन साल जलता रहे और लोग चौक में से लड़कियों को उठाकर ले गए और ऐसी ऐसी इतनी भयानक कभी हुई नहीं थी ठीक है ना तो रिपोर्टेंटिंग दर्ज, दर्ज नहीं हुई ये भी, हो हो सकता, ये भी हो सकता है इतने आराम से इन चीजों को ले लेते हैं ये क्यों हो रहा है मतलब सर ने अभी तोमर अंकल ने अभी ये बताया कि छोटे ऑफिसर जो है वो इसलिए नहीं करते क्योंकि बड़ा ऑफिसर नहीं आता लेकिन बड़े ऑफिसर को किसकी बैकिंग है वो आराम से बैठा है वो अपनी ड्यूटी कर ही नहीं रहा नहीं इसका इसका मतलब हो गया, गया कि छोटे ऑफिसर्स कोई एक्शन ही नहीं लेंगे मतलब उनकी अपनी कोई कॉन्साइंस नहीं है उनको क्या इसमें एक और बात करूंगा तीन साल हो चुके इतने बड़े बड़े हरियाणा में कांड हो चुके हैं अभी दो महीने पहले पंचकूला में भी हुआ था जिसके कितने लोग मारे गए अब ये देखिए सस्पेंशन तक नहीं हुई अब सिर्फ तबादला करके छोड़ दिया गया मेरे हिसाब से उसमें डिसमिस कर देना चाहिए तो था धर्मवीर धीर जी मेरा अभी, अभी आपसे यही सवाल है कि आप लोग भी चुपचाप बैठे हैं ठीक है जो कुछ हो रहा है उसे होने दीजिए किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है अगर नैतिकता और समाज की जिम्मेदारी है तो समाज और अभिषेक अभी देखना इलेक्शन का टाइम होगा जब तो ये सारे लोग सब सब पार्टीज इलेक्शंस टाइम पे इसको एज मुद्दा लेके जाएंगे और रही बात जहां पे मेंटल हेल्थ को लेके है या समाज में बदलाव लाने को लेके या ऐसे रेपेस्ट जो कि मेंटली साइकोपैथ्स साइकोपैथ्स हैं दे उनको आम इंसान नहीं आप कह सकते हो उनको कैसे इंप्रूव करना है इसके ऊपर कोई बात नहीं कर सुनीता दुग्गल जी छोटी सी टिप्पणी दस सेकंड के भीतर पहला सवाल आखिरी सवाल आपसे आप क्या लोगों की आंखों में आप डाल के ये कह पाएंगी कि हरियाणा की बेटी सुरक्षित है देखिए अभिषेक जी मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहती हूँ उनको कि हरियाणा की बेटी सुरक्षित है और हम बहुत जल्द हमारी तरफ से ये कोशिश रहेगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी को हम ये कहें जो 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 हमारी जो हमारी नाबालिग बच्चियों के साथ तो बिल्कुल लेकिन बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के प्रवक्ता सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि सत्ता उनके हाथ से छिन चुकी है बीजेपी की प्रवक्ता सब कुछ आसानी से स्वीकार नहीं कर पाएंगी क्योंकि सत्ता उनके हाथ में है हाँ वो इस बात को मानती है कि सरकार षक काम कर रही हो लेकिन महिलाएं उतनी सुरक्षित नहीं है जितनी सुरक्षित होनी चाहिए अगर होती तो शायद ये यह हालात यहाँ पे ना होते आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े इस खास डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया लेकिन ये प्रदेश जानना चाहता है सीएम मनोहर लाल खट्टर से क्योंकि सीएम मनोहर लाल खट्टर है और उनसे प्रदेश जानना चाहता है कि अगर आप और एक्शन दिखाएं तो लोगों को पसंद आएगा कोशिश करिए महिलाओं के मुद्दे पर कम से कम कोई समझौता ना हो नमस्कार